अस्सलाम अल्लाम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कुक एंड बेक फ़ूड विद मदीहा तो आज फिर से मैं एक छोटी सी सिंपल सी और क्विक किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ स्नैक रेसिपी है फ्रॉम स्क्रैच तो ये मैंने एक अंडा जो है वो बीट कर लिया है इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करना है एकदम से ऐड नहीं करना तो इसके अंदर मैंने शामिल किया है बेसन बेसन शामिल करना है आपने एक रनी सा लिक्विड बनाना है तो उसके लिए आपने जो है मैंने इस वक्त इसमें दो से तीन टेबल स्पून जो है तकरीबन दो टेबल स्पून भर कर जो है बेसन शामिल किया है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो है वो मिल्क ऐड करती जा रही हूँ और उसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि लम्स ना बने ठीक है और इसके बाद इसमें मैंने नमक शामिल किया है हसबका और सुरख मिर्च शामिल की है वन टू वन एंड हाफ़ टी स्पून और फिर इसमें शामिल कर देंगे हम गरम मसाला होल स्पाइसेस वन टीस्पून ठीक है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे थोड़ा सा हमें मिल्क और ऐड करूँगी ताकि थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी हो जाए इसकी ठीक है और फिर इसमें क्या करना है हमने शामिल करने हैं ब्रेड के जो एजेज़ uh, होते हैं ना हम अक्सर घर पर जो है ना कुछ गंदे बच्चे जो होते हैं घर में <laughs> वो ब्रेड के जो ब्रेड स्लाइसेस के किनारे होते हैं उनको अलग कर देते हैं ठीक है और कोई रेसिपी बनाती तो उसमें भी आपको कई दफ़ा सैंडविचेस में भी अलग करने पड़ते हैं तो इस तरह से आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं टी टाइम में और इसको जो जी इस मेज़े में किनारों को जो है ब्रेड के किनारों को डिप करके तो कढ़ाई में एक ऑयल uh, गर्म करके उसको चेक कर लें पहले एक डाल के कि गर्म हो गया है तो उसके अंदर uh, हम ये जो हैं वो एचेज़ ब्रेड के फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक ठीक है जो कि झटपट हो जाएगा और ये स्नैक बहुत ही झटपट बन जाने वाले हैं चाय के साथ कुछ भी नहीं है खाने के लिए तो ये आप जल्दी से बना सकते हैं बच्चे भी खुश हो जाएंगे आपकी ब्रेड भी ज़ाया होने से बच जाएगी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग अपने घर पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे ताकि आप लोगों की ब्रेड जो है वो ज़ाया होने से बच जाए और बहुत दफ़ा मैं तो इनके ब्रेड क्रम्स भी बना लेती हूँ ठीक है चलिए जी आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और इन्जॉय करें चाय के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा फिर से किसी और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़